रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि वह जीवन को सफल और सुखी बनाना चाहता है तो राम को भजने के साथ सांसारिक व्यवहार का भी ध्यान रखे। यदि आपको भी किसी तरह का कोई संकट या चिंता सता रही है तो आप रामचरितमानस की ये चौपाइयों का सहारा ले सकते हैं। आज हम आपको बताते हैं वो चौपाइयाँ जिनसे आपका जीवन सफल होगा और सुखी होगा। पहला श्लोक है, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशे सिंधु करई मन रोसा, कादर मन कउ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। रामचरितमानस में यह चौपाई उस समय को बताती है जब श्री राम भगवान सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान कर रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने भगवान राम को उनकी शक्तियां याद दिलाई और कहा, भगवान आप इतने शक्तिशाली बलशाली हो, एक बाण से पूरा समुद्र सुखा सकते हो, फिर सागर से इतनी प्रार्थना क्यों? तब भगवान श्री राम जानते थे, लेकिन उन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने की कोशिश की और बताया कि शक्तिशाली को संयमित होना बेहद जरूरी है। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। इसी तरह दूसरी चौपाई है, बोले बिहसी महेश तब ज्ञान मूड न कोई, जही जस रघुपति करई जब सो तस तेही छन होई। रामचरितमानस के बालकांड में भगवान विष्णु के अवतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यह भगवान शिव कहते हैं कि कोई भी इस भ्रम में न रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देता है, इसलिए कभी भी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए और जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। अगली चौपाई है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबर ही भजऊ भजई जेहि संत। विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं और कहते हैं, काम क्रोध अहंकार लोभ सब नरक के रास्ते ले जाने वाले हैं। काम के वश में होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जिस बल का अहंकार है वह आपके विनाश का कारण बनेगा। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाइए। मनुष्य को भी इस लोक में और परलोक में सुख शांति और उन्नति के लिए इन पापों की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। जय न मित्र दुख होई दुखारी, तिहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। रामचरितमानस की इस चौपाई में भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में बताया गया है और कहा गया है कि यह चौपाई मित्रता निभाने वाली है और भगवान भी उसकी सहायता करते हैं जो मित्र का साथ देते हैं। चौपाई का अर्थ है, जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर भी दुखी नहीं होते, उन लोगों की मदद भगवान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करने आते हैं। आगे कह मृद वचन बनाई, पाचे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। किष्किंधा कांड में श्री राम ने मित्रों के लक्षण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि अच्छा मित्र जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। चौपाई में लिखा है कि जो सामने से तो कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग स्वार्थी होते हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, जिनका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही आपकी भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है। सच्चा मित्र आपको सही राय देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना आवश्यक है। इसी तरह अगली चौपाई है, मोह सकल व्याधि कर मूला, तिहते पुनि उपजई बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा। सब रोग की जड़ मोह है। इस व्याधि से फिर से बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम बात लोभ, बढ़ा हुआ कफ और क्रोध पित है, जो सदा छाती में जलता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों को त्यागना जरूरी है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया।
जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। महान संत आपको अच्छे विचार देते हैं जिससे आप समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। भगवान श्री राम अगली चौपाई में कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। यानी भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ में हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं, ये हमारे हाथ में है। लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर ले, यह भी जीवन के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हम जिए, यह जीव अर्थात हम यही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ में है तो परमात्मा का स्मरण हमारे हाथ में है। अगली चौपाई में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि अपि च स्वर्ण मयी लंका लक्ष्मण न मैं रोचते जननी जन्म भूमि च स्वर्गदापी गरीयसी। यानी भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि ये लक्ष्मण, ये लंका पूरी सोने के समान है, पूरी सोने से लदी हुई है, लेकिन मुझे इसकी लालसा नहीं है और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरे लिए तो मेरी माँ और जन्मभूमि स्वर्ग के समान है। इस चौपाई से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, वहाँ के मूल्यों को आगे बढ़ाता है, वह दूसरों को आगे बढ़ाता रहता है। तो वीडियो में आपने जाना किस तरह से रामायण और मानस की ये चौपाइयाँ आपके जीवन को बदल कर रख देगी। अयोध्या में श्री राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं, आप भी संकल्प लीजिए कि भगवान राम के आदर्शों को विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे ताकि आपका भी जीवन सफल हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए पत्रिका और कमेंट और बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।